मणि का रंग अचानक पीला हो जाए तो कई मर्द परेशान हो जाते हैं। पीप मनी को पीलाहट का शिकार बना सकती है और उसकी वजह कोई इन्फेक्शन हो सकता है। डॉक्टर योहानिस बूब यूरोलॉजिस्ट हैं और बर्लिन के अस्पताल में सीनियर फिजिशियन हैं। सेक्सुअल उबरतराकबारे क्रांकहाइटें वी क्लामुडियन ओर गोनोकोकल। पीली मनी जिनसी तौर पर मुंतकिल होने वाली किसी बीमारी या पेशाब से जुड़े इन्फेक्शन, क्लैमिडिया या गोनोरिया का इशारा हो सकती है। आपको फौरी चेकअप करवाना चाहिए। गेल्ब फैर्बुंग डेस स्पर्मास मोगलिस्ट रश डेन उरोलोगन आउफजुसुखन। अगर मनी बिल आखिर भी सफेद हो तो समझिए सब ठीक है। मकदार 1 से 5 मिलीलीटर तक नॉर्मल है। मगर अगर मनी अचानक सुर्ख हो तो ऐसा खून की वजह से होता है। देखने में ये खौफनाक लगता है मगर मुमकिन है कुछ ना हो और फकत खून की नाली की खराश हो। लेकिन अगर ये मामला ज्यादा अरसे तक सुर्ख या ब्राउन ही रहे तो फिर आपको मुआयना कराना चाहिए। उसकी वजह ब्लैडर में ट्यूमर या प्रोस्टेट जैसा ज्यादा संजीदा मामला भी हो सकता है। और अगर ये स्पर्म का महलूल अचानक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाए? ट्रांसपेरेंट माया परेशानी की बात नहीं। Es ist nur der Grund, dass wenig. इसका मतलब सिर्फ ये है कि इसमें स्पर्म की तादाद नॉर्मल से कम है। Das kommt vor, zum Beispiel. ऐसा कम वक्त में ज्यादा मर्तबा एजेक्यूएशन की वजह से होता है। Und geht wieder zurück zu normal. एजेक्यूएशन के दरमियान वक्फा बढ़ेगा तो ये महलूल दोबारा से दूधिया हो जाएगा। Zeit zwischen den Ejakulationen vergeht. स्पर्म्स की बू खासी तेज हो सकती है मगर इसका इन्हिसार उमूमन खुराक पर होता है। लहसुन, प्याज या गोभी वगैरह जैसी गजा इस बू की एक वजह बन सकती है। ताहम जिनसी तौर पर मुंतकिल होने वाली बीमारियां भी इसकी तेज बू की एक वजह हो सकती है।